जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 2020 कैसा रहने वाला है, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल के संकेत इसमें मिलते हैं, नव वर्ष की शुरुआत के समय ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रही है, ग्रह गोचर का आपकी पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ वेल्थ लव और करियर के मामले में क्या प्रभाव डाल रहा है। साल 2020 में सेहत रहेगी बेहतर या एजुकेशनल फील्ड में करनी होगी कड़ी मेहनत, फाइनेंशियल कंडीशन में होगी ग्रोथ या करियर में बना रहेगा संघर्ष का दौर। इस वर्ष मिलेगा आपको प्यार या पारिवारिक रिश्तों में रहेगी दरार। 2020 में कैसे हैं धन के योग, घर गाड़ी खरीदने का सपना होगा पूरा या रहेगा अधूरा। दोस्तों, ये सब हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा और इसमें क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सूचना पहले ही यहाँ पर देना चाहूँगा कि हमने स्पिरिचुअल हीलिंग एक का बिल्कुल फ्री सेवा शुरू की है और उसके योग ध्यान रेकी प्राणिक हीलिंग आदि आदि बहुत सारी इस प्रकार की जो आध्यात्मिक हीलिंग है उसकी सेवाएं हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। आपको केवल क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन दबाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल भेजें और यदि कोई आप आपके परिवार में आपके मित्र यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी का नाम लिखकर भेजें, मैं बिल्कुल उसमें फ्री आपको हीलिंग करूँगा और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2020। इस राशि के वालों जातकों को कुछ अटके काम इस वर्ष पूरे हो सकते हैं जिससे जातकों को कुछ राहत मिलेगी। वहीं जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वर्ष अनुकूल रहेगा। ये वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए कई ऐसे मौके लेकर आएगा जो मन को प्रसन्नता देने वाले होंगे। यह वर्ष आपके लिए दुखों से मुक्ति का साल होगा। वो अड़चने जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वो दूर हो जाएंगी। इस वर्ष के पहले महीने के अंतिम हफ्ते की शुरुआत में शनिदेव आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद बृहस्पति देव 30 मार्च को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और 14 मई को वक्री हो जाएंगे और इसी वक्री अवस्था में जून के अंत में पुनः दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ 13 सितंबर को वो मार्गी होकर और 20 नवंबर को एक बार फिर तीसरे भाव में लौट आएंगे। राहु सितंबर माह तक आपके आठवें भाव में रहेंगे और उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। इस वर्ष आपके आप कई यात्राएं कर सकते हैं, इन यात्राओं से आपको शुभ लाभ मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष आप अपनी फैमिली के साथ किसी पर्यटन स्थल पर भी जा सकते हैं। वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष आप जीवन के उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां आपको अपना मनचाहा काम करने का मौका मिलेगा, वो भी बिना किसी रोक टोक के। आपकी ऊर्जा आपको क्षेत्र में सफलता दिलाने में मददगार होगी। व्यापारी वर्ग के लिए वर्ष मध्य भाग बहुत लाभकारी रहेगा। इस दौरान विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर हो सकता है जिससे वे थोड़े विचलित हो सकते हैं। तो ये था बेसिक वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा क्या रहेगा। अब हम विस्तार पूर्वक इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके हर क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। यह वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत में किसी नए काम की शुरुआत इस राशि के जातकों द्वारा की जा सकती है जिसमें उन्हें सफलता मिलेगी। इस वर्ष तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन इसके बावजूद भी कार्य क्षेत्र में आप असंतुष्ट रहेंगे क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। इस वर्ष आपको अचानक ट्रांसफर होने की संभावना बनती है जिससे आपका मन बड़ा दुखी होगा और उससे आपका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। अगर आप यह बात समझ लें कि परिवर्तन ही संसार का नियम है तो आपकी मन की खिन्नता दूर हो जाएगी। इस वर्ष से पहले तीन महीनों में यानी कि जनवरी फरवरी मार्च उन्नति के कई अवसर आपके चलते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अवसर आएंगे और वो आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस समय का सदुपयोग करें। वहीं साल के उत्तरार्ध में आपको पदोन्नति के योग बन रहे हैं, आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। इस वर्ष आप खुद को ज़्यादा रचनात्मक पाएंगे, आपकी रचनात्मक आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वर्ष के अंत में आपको जोखिम भरे काम करने पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी में पैसा लगाना इस वर्ष जोखिम भरा रहेगा। गैस, पेट्रोलियम, तेल का कारोबार करने वाले लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि क्या रहेगी आर्थिक स्थिति। यह वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपकी धन की जो संचय आप करेंगे, इस वर्ष आप अपने भाई बहनों पर भी धन खर्च कर सकते हैं। साल के अंत में आर्थिक स्थिति के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति को उधार ना दें जिससे आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि धन वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। 2020 के मुताबिक इस वर्ष आपका धन सक्रिय प्रवाह में रहेगा, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो काफ़ी लाभ देगा। अगर आप सोच समझ कर चलेंगे तो धन को इन्वेस्टमेंट भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस साल पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते बनेंगे। आपने किसी से उधार लिया है या बैंक से लोन लिया है तो इस वर्ष उसे चुका सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए आर्थिक मामलों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। हालांकि केतु की सितंबर तक दूसरे भाव में उपस्थिति कभी कभी तनाव को बढ़ा सकती है। वहीं दूसरे भाव में बृहस्पति देव की स्थिति के कारण घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। इस वर्ष अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस साल डगमगा सकता है। माता या पिता या दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। हो सकता है कि आपको इसकी हानि भी हो सकती है। बृहस्पति की स्थिति आपको समाज में सम्मान दिलाने में मदद करेगी। इस वर्ष परिवार के साथ घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। साथ ही इस वर्ष आप कोई सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिनके लिए आपको साहस जुटाना पड़ेगा। जून के बाद समय अच्छा रहेगा। परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा और आपके रिश्तेदार से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। इस वर्ष आपके भाई बहनों से आपका रिश्ता और प्रगाढ़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, यानी कि जो स्टूडेंट्स के बारे में। वृश्चिक राशि के स्टूडेंट के लिए ये साल थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। उनको मनपसंद कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि वृश्चिक राशि के जो जातक तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं या जो मतलब जो टेक्निकल हैं, उनके लिए शुभ रहने की संभावना है। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी ओर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी संघर्षपूर्ण रहने वाला है ये समय, तो आपको विशेष ध्यान इस समय रखना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए 30 मार्च से 30 जून के बीच उच्च शिक्षा की जाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। इस दौरान उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। फाइनेंस और कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी समय ये अच्छा है। जो लोग इस दौरान मन लगाकर पढ़ेंगे, यानी कि फोकस रहेंगे, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट इसमें लापरवाही करता है या बहुत वो कैजुअल लेगा तो उनको असफलता मिलेगी, जिससे कि उनके भविष्य में क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध को लेकर। यह वर्ष वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए अच्छा साबित होगा जो सिंगल है, क्योंकि इस वर्ष आपके जीवन में कोई खास तरह का प्रेम संबंध हो सकता है, जिससे लंबे समय तक आप प्रेम संबंध रखने की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रेम जीवन में कठिन निर्णय भी लेने पड़ेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रेम संबंध में आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह सोच समझ ले। अनजान व्यक्ति से, नए व्यक्ति से बिल्कुल एकदम संबंध ना बनाए, नहीं तो आपको काफ़ी मानसिक और शारीरिक कष्ट उसका उठाना पड़ सकता है। किसी भी रिलेशनशिप में तो अपने साथी को पूरा सम्मान दे, पहले उसे जांच परख ले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष कुछ लोग दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं, कुछ लोग प्यार को शादी में भी तब्दील कर सकते हैं। यानी कि आप पहले से यदि प्रेम संबंध में हैं और काफ़ी दिनों से लव मैरिज करने का विचार कर रहे हैं तो ये वर्ष आप कर सकते हैं। राशिफल के हिसाब से 13 मई से 25 जून के बीच प्रेम जीवन में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस वर्ष के दौरान आपको ठंडे दिमाग से फैसला लेना होगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, अदरवाइज आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। जो लोग ब्रेकअप कर चुके हैं उनके जीवन में ये समय ठीक रहने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो ये वर्ष आपके लिए संभावनाओं से भरा है, इसमें आप अपने प्रेमी प्रेमिका से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में।
वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल सामान्य रहने की संभावनाएं। इस वर्ष आप अपनी शारीरिक मानसिक क्षमता में वृद्धि महसूस करेंगे। इस वर्ष आप खुद को फिट रखने के लिए योग शारीरिक व्यायाम का भी सहारा ले सकते हैं। इस वर्ष के पहले माह के बाद आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आने शुरू होंगे, लेकिन मई में किसी पुरानी बीमारी की वजह से परेशानी हो सकती है। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें जैसे पेट का इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी समस्याएं, लेकिन उनका समाधान भी आप कर लेंगे। आपको गलत खान पान से बचना चाहिए, आउट ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए घर के बाहर खाने से बिल्कुल परहेज करें, अपनी दिनचर्या सुधारें। स्वास्थ्य के लिए राहु की स्थिति आपको मानसिक परेशानियां दे सकती है, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति के बलबूते आपको उसको देखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि हम बात करें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा जो वर्ष रहने वाला है ये उनके लिए काफ़ी मिला जुला रहेगा। उनको जो सबसे बड़ी परेशानी आ सकती है, एक तो सेहत को लेकर उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट की बीमारियां, इन्फेक्शन या जो पुरानी बीमारियां हैं दोबारा से उभर सकती हैं। मानसिक बीमारियां उनको हो सकती है जिसकी वजह से उनको कष्ट होगा। तो उनको एक तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, घर में बना हुआ खाना चाहिए, और यदि वो प्रेम संबंध में हैं या फिर यदि वो रिलेशनशिप में हैं तो उनको बहुत सावधानी पूर्वक इस समय रहना चाहिए। अदरवाइज उनको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये रहा 2020 का वार्षिक फल वृश्चिक राशि वालों के लिए। दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग और योग ध्यान के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ। यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई संख्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यदि आपको पसंद आया है लाइक करें और उसको शेयर भी करें। मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए राधे राधे।